हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबू। जैसे कि आज मैं एक नई एप्लीकेशन लेके आऊँ जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आप क्रेडिट कार्ड से सीधा अपने अकाउंट में बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें फर्स्ट टाइम करने पे फ्री है, दूसरी टाइम करेंगे तो आपका थोड़ा सा चार्ज लेते हैं, 1.2% 1.2% चार्ज लेते हैं। बस ये ऐसे करके इनकी लिमिट होती है। ये लिमिट आप अलग अलग एप्लीकेशन से अगर करेंगे तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो कोई पैसे नहीं है। तो इसमें आपका ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास पैसे इस टाइम नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। उस बैलेंस को आप दोबारा अपने एटीएम से या किसी ऑनलाइन पेमेंट से आप यूज़ कर सकते हैं। तो घर बैठे तो आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पूरी स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये स्टेप पूरा समझ आएगा और अपने क्रेडिट कार्ड से आप बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, सीधा सीधा अपने अकाउंट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंस्टेंट पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे और आपकी सारी दिक्कतों का खात्मा हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशनें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। जो एप्लीकेशन है, एक तो है ये वाली यस पे भीम ऐप्स, दूसरी ऐप है अल्ट्रा कैश। अल्ट्रा कैश ये है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे इसका आइकन देख लीजिए, आपको आइकन दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये सामने ये दिख रहा है। तो इस आइकन को आप देख के इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप कोई भी, मैं आपको जैसे पहले बताया था कि आप कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एप्लीकेशन बता दिया तो आप इसको वीडियो को छोड़ के आप इंस्टॉल करके आप प्रोसेस करने लग जाओ तो आपका ये नहीं होगा। जब तक आप पूरा स्टेप नहीं समझोगे तब तक ये नहीं होगा। इसलिए आप स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर से आपने ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है यस पे भीम YES पे ऐप। ये जो पहला आइकन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में इसको आपने डाउनलोड करना है। ये आइकन आपके सामने दिख रहा है, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में इस तरह का आइकन आपको सामने नज़र आएगा। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, इसको एक्टिवेट कर लेना। मैंने एक्टिवेट किया हुआ, इसमें पासकोड डाला हुआ है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद में आपको ये वैलेट इस तरह होगा, तो आपने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, थ्री लाइन पे, जहाँ पे यहाँ पे आपने आके अपना माय अकाउंट में जाना। माय अकाउंट में जाके आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट फिल कर लेना। जैसे आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा, आपका डिटेल मांगेगा, तो आपने वहाँ पे फिल कर देना है। ये लेटेस्ट ट्रांजेक्शन में जाके आपने अपना स्टेटस देख लेना कि आपने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 1000 रुपये मैंने अपलोड किया था। 1000 को अपलोड करके मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुपए कार्ड को पेटीएम में मैं इसको ऐड कर चुका हूँ, कोई पैसे नहीं लगे। दूसरी बार फिर मैंने 5000 इसको ऐड किया। 5000 ऐड करने के बाद में मैंने फिर इसको, तो होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद में ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद में आपने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने से पहले ये एंटर अमाउंट के लिए बोल रहा है, तो एंटर अमाउंट करना है आपने। यहाँ पे कुछ भी करना है तो आपको दिखाने के लिए, पहले मैंने दिखा भी दिया आपका ट्रांजेक्शन मैंने कितना कितना किया, तो उसके सैंपल में आपको 1000 रुपये ऐड करके दिखा देता हूँ। 1000 यहाँ पे क्लिया, उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे हमने सेलेक्ट किया। क्रेडिट कार्ड पे सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड डाल के उसके बाद मैं अपना आगे आता हूँ। बाद में इसको आपने लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद में आपका ट्रांजेक्शन अगले पेज पे जाके खुलेगा। खुलने के बाद में ये हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेज खुल के आ गया, तो हम चलो इसको सिलेक्ट करते हैं।
इसमें दो ऑप्शन है कि आपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डू नॉट मैच आई विल कंटिन्यू लेटर, अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें नहीं रजिस्टर्ड है तो आप दोबारा कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके इसको सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में मेरा यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP को हम फिल करेंगे, तो OTP फिल कर लेते हैं। तो फिल कर लिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का आइकन आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ट्रांजेक्शन हो गया, मेरा अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चल के वैलेट में, तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे 2 रुपये था, मैंने आपको दिखाया था, 2 रुपये के बाद में 1,002 रुपये हो गए। अब इस 1,002 रुपये को मैं पेमेंट कैसे करूँगा, तो कहाँ पर करूँगा, चलिए ये वर्चुअल कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया था, वर्चुअल कार्ड का हमने जो अंक है यहाँ पे सारे हमने रीड कर लेने हैं। ये रीड करने के बाद में हमने सबसे पहले हमने चले जाना है पेटीएम में। पेटीएम में जाने के बाद में तो उसके बाद में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे ऐड मनी पे। ऐड मनी पे जाने के बाद में ऐड मनी पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं आऊँगा अपने पेटीएम वैलेट में। पेटीएम वैलेट में होने के बाद में यहाँ पे जितने अमाउंट मैंने वहाँ पे ऐड किया उतना मैंने अमाउंट यहाँ पे मैंने डालना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं मेरे वैलेट में अवेलेबल जो बैलेंस है वो 0 आपको सामने शो हो रहा है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बाद में आप ये ना कहें कि यहाँ पे पहले ही अमाउंट ऐड था तो आपने ये गलत किया है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं दोबारा जब करने लगा था ट्रांजेक्शन तो वहाँ पे स्क्रीन पे ब्लैक आ गया था, वो इसलिए क्योंकि इनकी सिक्योरिटी होती है, वो ये स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो मैं 0 आपको दिखा दिया हूँ। अब दोबारा मैं प्रोसीड ऐड मनी पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद में दोबारा यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, अभी आपको दिखाई नहीं देगी। तो अभी स्क्रीन खुलेगी, अगले पे जाके ये देखो ब्लैक हो गई, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। चलो मैं इसको अपने कार्ड, उसी कार्ड का जो मैंने आपको दिखाया था यस बैंक का, उस कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करके वो वाले जितने उसके कार्ड नंबर है कार्ड नंबर डाल के उसका एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ डाल के उसका CVV नंबर जो होता है वो डाल के अमाउंट हम ऐड करते हैं। मैंने इसका CVV नंबर डाल के इसको पे क्लिक कर देता हूँ। तो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ जाता है कि 2% ये चार्ज लेता है वो इस, तो 2% चार्जेस चलो हम दे देते हैं। ये हो गया, OTP आया, OTP हम डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोबारा स्क्रीन ब्लैक हो गया, तो प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग होने के बाद ये पेमेंट आपके सामने ऐड हो गई। अब ये पेमेंट ऐड तो हो गया, लेकिन इस पेमेंट को आप बैंक में कैसे लेके जाएंगे, तो इसका सीधा सा ऑप्शन ये है कि आपने दूसरा एक पेटीएम अकाउंट बनाना है जिसमें KYC होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें KYC आपने करवाएं। अगर करवाई हुई है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं करवाई तो कोई बात नहीं, आपने अभी दूसरे नंबर से आपने अपना पेटीएम एक्टिवेट करना है। उस पेटीएम में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सेप्ट जो पेमेंट का ऑप्शन है, इस पेमेंट के ऑप्शन में आपने जाके वहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है कि जिस अकाउंट नंबर पे आप चेंज कर सकते हैं, किस अकाउंट नंबर पे आप अपना बैलेंस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपने वहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद में आपने क्या ना कि ये एक्सेप्ट पेमेंट का आपका QR कोड होगा, इस QR कोड को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या दूसरे मोबाइल में डाल के इसको रखना है, और अपने जो जिस पेटीएम अकाउंट में आपने अभी मनी अपने ऐड की है वो ऐड मनी को आपने इस QR कोड को स्कैन करके पे कर देना है। तो आपके उस अकाउंट से पैसे कटेंगे और इस अकाउंट में पैसे जाएंगे, जो कि ये पेमेंट आपके डायरेक्टली आपके खाते में जाएगा। तो इसका मैटर ये सॉल्व होता है कि जैसे आप अपने पेटीएम से अपने ही अकाउंट में डालते हैं तो वहाँ पे 4-5% का चार्जेस आपको देना पड़ता है, उस चार्जेस से आप आराम से बच जाएंगे। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ये ऐप है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। तो दूसरी ऐप है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, दूसरी ऐप ये है कि जो मैंने आपको बताया था अल्ट्रा कैश वाला ऐप ये है। इसमें आपने सेंड मनी पे क्लिक करना होता है, सेंड मनी पे आपने क्लिक करना है।
मैं आपकी सिर्फ आपको वर्बली वैसे नंबर दिखा रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रीन को ब्लर ना करना पड़े, इसलिए आप यहाँ अपने मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देना, आपका मान लो कुछ भी है। ये मोबाइल नंबर है, आपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कौन से बैंक है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में आपने कितनी पेमेंट यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मान लो आपने 1000 रुपये, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे 1000 फीड कर देता हूँ, पे पे क्लिक कर देते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रीन सामने आ जाती है कि हमारे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट को हम अपने वैलेट में ऐड करते हैं, दूसरे वैलेट से हम अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 1000 रुपये पर ट्रांजेक्शन हमें अलाउ करता है, ये 5000 पर डे अलाउ करता है। तो चलो इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन जो मैंने आपको भी कार्ड दिखाया था, कार्ड का उस कार्ड को यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करना साइड में यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर एक ऐड करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। दूसरा, आपने कोई भी बैंक है तो वहाँ पे वो UPI वाला ऐड कर लेना कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये भी ऐड हो जाता है और हमें कार्ड भी ऐड हो जाता है। यहाँ पे लिखा है एस बैंक डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, तो ये कार्ड हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। इसको आपको दिखाने के लिए दोबारा दिखा रहा हूँ, जबकि आपकी स्क्रीन यहाँ पे ब्लैंक हो रही है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लैंक कर देते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आप ये करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे CVV नंबर डालना है। CVV नंबर डालने के बाद में आपने इसको पे पे क्लिक करोगे, पे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप अगर 1000 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आप 5000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये पेटीएम से बेटर एप्लीकेशन है। यहाँ पे सिर्फ 1.2 चार्जेस लग रहा है, जबकि पेटीएम में करने से 2 चार्जेस लग रहा है। तो वहाँ पे आपने जो वैलेट में आपने पैसे क्रेडिट कार्ड से ऐड करने हैं, और इस पे एप्लीकेशन पे आके आपने अकाउंट नंबर डालना है, बैंक डालना है, और वहाँ पे सेलेक्ट करके आपने उसी डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट कर देनी है। तो 1000 1000 करके आप 5 बार ट्रांजेक्शन करेंगे, क्योंकि इसकी लिमिट ही 5000 रुपये पर डे है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र के पे क्लिक कर देता हूँ, ट्रांसफ़र क्लिक कर देता हूँ, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वहाँ पे 1000 रुपये ऐड किया था, जबकि मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, तो वहाँ पे पेमेंट है नहीं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि ट्रांजेक्शन कर लिया हुआ था तो 33 रुपये यहाँ पे पड़े हुए हैं, 33 रुपये को हम ट्रांसफ़र करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसी अकाउंट में जाके अब मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल अकाउंट नंबर डालूँगा और ब्लर करूँगा ताकि आपको मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। करते हैं तो आप यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, प्लीज़ वेट पे ऑप्शन आता है, प्लीज़ योर OTP ऑप्शन ऑफ द बैंक OTP आ जाता है, OTP को हम सिलेक्ट करेंगे तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये ऑप्शन आ गया, ट्रांसफ़र स्टेटस आ गया, डेबिट कार्ड फ्रॉम योर अकाउंट ट्रांसफरिंग टू योर मोबाइल नंबर, और ये मेरे ऊपर मैसेज आ गया आपके लाइव प्रूफ के साथ, 33 रुपये मेरे जो उस अकाउंट में थे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे मेरे पास एक पेज खुल के भी आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रांजेक्शन ID ये है, रेफरेंस नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, इतने पैसे आपने ट्रांसफ़र किए, कौन से बैंक में किए, और ये कन्वीनियंस चार्जेस लगा कि नहीं लगा, ये सारे मेरे सामने आपके पेज आ गए। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दो एप्लीकेशन दिखा दिए हैं, जो आपको बेटर लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 5000 से नीचे करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है, 5000 से आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको पेटीएम सबसे बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाहता था जो कि आपके लिए बहुत ही खास था, और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे नवे से नवे वीडियो आपके नॉलेज के लिए मैं लाता रहूँगा। और अगले कुछ दूसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ नई एप्लीकेशन के साथ, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।